हेलो दोस्तों, इस समय हम लोग हैं प्रयागराज के चुंगी पर, जहाँ पर पुराने वाले ओवरब्रिज के समानांतर ही एक नया ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जो कि उसमें कहीं भी मोड़ नहीं रहेगा, सीधा सीधा रहेगा। पुराने ब्रिज के समानांतर ही बनाया जा रहा है ये। जहाँ से पुराना ब्रिज स्टार्ट हुआ है वहीं पर ही पुराना ब्रिज जो है, जहाँ से पुराना ब्रिज स्टार्ट हुआ है वहीं से नया वाला ब्रिज स्टार्ट हो रहा है और वहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब जो है इसका लंबाई उतना बढ़ाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी जितना पुराना वाला जितना है लंबाई उतना उतने का ही नया वाला बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आगे वीडियो में आपको हम दिखाते हैं, बस शुरू होने वाला है वो। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है इलाहाबाद का सबसे बेस्ट जगह है, तो इसको बहुत ही तेज़ी के साथ निर्माण कार्य किया जा रहा है। आने वाले कुछ महीने में देखेंगे आपकी काफ़ी काम हो जाएगा। इसका लास्ट डेडलाइन बनाने की यही 2024 दिसंबर तक इसको बना के तैयार करना है, क्योंकि ये संगम का मेन रास्ता है दोस्तों, यहीं से ही आने वाली भीड़ आती है। जिसको भी संगम जाना है उसको इस रास्ते से होकर गुजरना ही पड़ता है। बाकी और कई रास्ते हैं जो कि आप जा सकते हैं, लेकिन मेन रास्ता तो यही है संगम वाला जाने का, इसीलिए इसको इतना फास्ट बनाया जा रहा है। ये आप लोग देखिए दोस्तों, इस पर जो है गर्डल की लॉन्चिंग कर दी गई है। बाकी यहाँ पे काम तो 24 घंटे चल रहा है, तो 100% श्योर है कि दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इधर साइड जो है पिलर का निर्माण कार्य लगभग हो चुका है। देखिए ये वाला अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पिलर। बस देखिए दोस्तों, ये पुराना वाला भी ब्रिज है समाप्त होने वाला है, और यहीं पर भी नया वाला ब्रिज भी समाप्त होगा। इसके आगे नहीं बढ़ाएगा, मतलब लंबाई चौड़ाई जितनी पुराने वाले ब्रिज की है उतनी नए वाले ब्रिज की ही रहेगी। बस दोस्तों, यहीं पर जस्ट नया वाला ब्रिज समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए यहीं पर नया वाला ब्रिज समाप्त होगा। धन्यवाद।